मेलड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे। आयरा ने जब से जैद को इस बारे में बताया है कि उसके डैड किसी सूरत पर उसे उसकी जिंदगी में देखना ही नहीं चाहते थे, यहाँ तक कि उनकी वजह से उसके भाई ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, तो वो ये बात किसी सूरत पर कबूल नहीं कर पाता। डैड, आपने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? क्या मांगा था मैंने आपसे? सिर्फ आपको अपनी मोहब्बत के बारे में बताया था। क्योंकि उस लड़की का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए आपने इस बात का फैसला कर लिया कि वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। मेरी बात भी याद रखिएगा, मुबशरा को आप मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहते थे ना? जहाँ तक देखा जाए आपकी प्लानिंग भी कामयाब हो गई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मुबशरा को मैं कभी भी अपने दिल में वो मुकाम और इज्जत नहीं दे पाऊंगा जो मेरे दिल में हमेशा के लिए आयरा के लिए है। शायद ये बात तुम भूल रहे हो क्या, मुबशरा की खुशियाँ तुम्हारे लिए कितनी अहमियत इख्तियार कर गई है। अगर वो इस घर में खुश न रही तो तुम्हारी अपनी बहन का घर बर्बाद हो सकता है, और ये बात तुम जानते हो कि मैं किसी सूरत पर इस बात को कबूल ही नहीं कर पाऊंगा। डैड, तो फिर मेरी बात भी आप याद रखिएगा, आप कश्माला की वजह से मुझे बार बार इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि अगर मैंने मुबशरा के साथ ये कर दिया वो कर दिया तो उसका असर मेरी बहन कश्माला के घर पर पड़ेगा। इस सब के बारे में आपको उस वक्त सोचना चाहिए था जब आप आयरा के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। चाहे उसे मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए दूसरी शादी भी करना पड़ी ना, तो मैं करूंगा, लेकिन कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करूंगा जो आप मुझे समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है।